हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट नोसोकोमल इन्फेक्शन. ओके, नोसोकोमल इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड नोसस मीनिंग डिजीज एंड कोमियन मीनिंग टू टेक केयर ऑफ, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. क्लियर? So, nosocomial infection is a contracted because of an infection or toxin that exit in a certain location such as a hospital. People now use nosocomial infection interchangeably with the term hospital acquired infection or hospital associate infection. Okay, so hospital acquired infection, the infection must not be present before someone has been under medical care. Clear? So for example, one of the most common ward where the hospital acquired infection occur in the ICU. Okay, ICU is intensive care unit where doctors treat serious disease. About 1 in 10 of the people admitted to the hospital will contract a hospital acquired infection. क्लियर? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा इन्फेक्शन होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से मिलता है, और ये मोस्टली कौन से उसमें होता है? ICU में. ठीक है, क्योंकि वहाँ वेरियस डिजीज कंडीशंस के पेशेंट्स रहते हैं. सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मस्ट अकर अप टू 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज और अप टू 3 डेज आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज और अप टू 30 डेज आफ्टर एन ऑपरेशन. क्लियर? सो वेयर डू द माइक्रोब्स कम्स फ्रॉम? इट कैन कम्स फ्रॉम पेशेंट ओन फ्लोरा, क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम मेडिकल पर्सनल, एंड क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. हॉस्पिटल एनवायरमेंट लाइक एयर, वाटर, डस्ट, आईवी फ्लूइड्स एंड कैथेटर, वॉश वॉल्स, बेड पेंस, एंडोस्कोप्स, वेंटिलेटर एंड रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, दीज कैन कॉज नोसोकोमियल इन्फेक्शन. नाउ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कहाँ से हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है. वट आर द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन? फर्स्ट वन इज एंडोजीनस. एंडोजीनस इज वॉट? एंडोजीनस अ डिजीज अराइजिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज अ डिजीज अराइजिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज अ डिजीज अराइजिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन एजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी बट प्रीवियसली असिम्टोमेटिक. सॉरी, मीन्स ये कहाँ से होता है? आप पेशेंट के ओन फ्लोरा से. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज पेशेंट हैविंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ट्यूमर, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज. ठीक है, एक्जोजीनस. एक्जोजीनस मतलब एंडोजीनस. यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज मतलब पेशेंट तो ठीक हो, कैसे आएगा? सपोज पेशेंट है तो उसमें सिम्टम्स क्या होंगे? पहले असिम्टमेटिक होंगे, लेकिन बाद में वो क्या हो सकते हैं? अराइज हो सकते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग सम सर्जिकल ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशंस. एक्सोजीनस मतलब फ्रॉम अनदर पेशेंट. क्लियर? मीन्स डिजीज ओरिजिनेट आउटसाइड द बॉडी. एंडोजीनस में क्या हो रहा था? आपका ओन फ्लोरा से हो रहा था, लेकिन एक्सोजीनस में क्या हो रहा है? आपका ओरिजिनेटेड आउटसाइड द बॉडी. एग्जाम्पल, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, ट्रॉमा भी हो सकते हैं. ठीक है, सपोज जैसे हेयर फ्रॉम अनदर पेशेंट, स्टाफ मेंबर और एनवायरमेंट इन द हॉस्पिटल. ठीक है, फ्रॉम सपोज वन पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन, देन इट कैन कॉज टू अनदर पेशेंट, देन इट कैन ट्रांसमिटेड टू इन द अनदर पेशेंट. ओके, स्टाफ मेंबर, environment in the hospital, cross infection from other patient, hospital who is suffering from infectious or asymptomatic carriers. ठीक है, suppose multi drug resistant staphylococcus aureus colonize hospital and cause nosocomial infection,
दैट इज दस नोन एज हॉस्पिटल स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, पेशेंट्स मिलते हो, देन आपको क्या हो जाता है, इट कैन कॉज द इन्फेक्शन, और स्टेफाइलो और स्कोनलाइज हॉस्पिटल में कॉज नोजोकोमल इन्फेक्शन। देन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन, सपोज हैंड और हैंड्स और क्लोथिंग, जैसे आप किसी से हैंडशेक करते हो, ठीक है, हैंड्स ऑफ स्टाफ इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ स्प्रेड। वाई हैंड्स ऑफ स्टाफ इज इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ स्प्रेड, बिकॉज ऑल द टाइम आप किसके साथ रहते हो, स्टाफ के साथ रहते हो, वो आपके सराउंडिंग रहते हैं, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ स्प्रेड। एंड कॉन्टेक्ट ऑफ हैंड एंड क्लोथिंग ऑफ अटेंडेंस, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरस एंड स्ट्रेफाइलोकोकस पायरोजेंस। ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके, इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंडोस्कोप, ब्रोंकियोस्कोप, सिस्टोस्कोप। ठीक है, अगर आपने इनका प्रॉपर तरीके से इनको क्या नहीं कर रखा है, डिसइंफेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, इनको स्टराइल नहीं कर रखा है, स्टेरिल, देन इट कैन कॉज द नोजोकोमल इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। एयर बोन्स हो सकते हैं आपके, एयर बोन्स में जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया आपका फ्रॉम डस्ट से, एरोसल से, पेरेंटरल रूट हो गया आपका, पेरेंटरल रूट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, ठीक है, ब्लड डोनेशन हो गया, देन डस्ट से भी हो सकता है, जैसे डस्ट फ्रॉम बेडिंग फ्लोर्स एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन। क्लियर, देन आपका सो वट हु एट द रिस्क ऑफ नोजोकोमल इन्फेक्शन, कौन कौन से रिस्क पे हो सकते हैं आपके नोजोकोमल इन्फेक्शन के, जैसे योर हॉस्पिटल रूममेट्स, एज, स्पेशली इफ़ यू आर मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग एंटीबायोटिक्स, बिकॉज उससे यह हो जाता है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, एंड वेदर और नॉट यू हैव यूरिनरी कैथेटर और प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे। नाउ द कॉमन नोजोकोमल इन्फेक्शन, दीज आर द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, फर्स्ट वन इज यूटीआई, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दैट इज 40% ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्लियर, यूजली एसोसिएट विथ कैथेटराइजेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी। यूटीआई कब होता है आपका, इट डेवलप व्हेन द एंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इज कंटामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ वी विल नॉट मेंटेन द स्टेरिलिटी देयर देन इट कैन कॉज द यूटीआई फ्रॉम व्हाट, आपका कैथेटराइजेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी। निमोनिया, निमोनिया इज द सेकेंड कॉमन इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ड्यूरिंग एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, हम ये निमोनिया हो जाते हैं, देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देन वुंड एंड स्किन सेप्सिस फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर वेयर द कॉजेटिव एजेंट आर इंट्रोड्यूस इन टू द टिश्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन हायर इन एल्डरली पेशेंट। सो नॉन सर्जिकल वुंड्स ड्यू टू बर्न, बेड सोर्स हो गया आपका, देन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द सालमोनाई एंड सिंगेला सोनाई, एंड द एंट्रोटॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ड्यू टू स्टेफाइलोकोकल कंटामिनेशन ऑफ कुक्ड फूड, डायरिया आपको पता है, डायरिया ड्यू टू द ई कोलाई। नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एंड सेप्टिसीमिया, टेटनेस। ठीक है, बैक्टीरिया इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन वेरियस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव वेसिलाइज कॉमन पैथोजेंस होता है आपका, किसका, बैक्टीरीमिया एंड सेप्टिसीमिया का। टेटनेस इनएडिक्वेट अटेंशन टू असेप्टिक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सर्जरी, यूज ऑफ कंटामिनेटेड ड्रेसिंग और इनप्रॉपर स्टराइज ड्रेसिंग, इम्प्रॉपर डिसइन्फेक्शन ऑफ साइड
intramuscular injection and inadequate care while cutting the umbilical cord of newborn, because due to improper sanitization or आपका क्या था, if you are not proper using disinfectants or others, suppose hand washing should be there and okay, and most important sterility should be there all during all these procedures. If you will not do it, then it can cause the infection. Now we will discuss about the hospital infection control. ठीक है, मीन्स जो आपका हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे. ठीक है, सो दीज मेथड्स, देयर आर सम मेथड्स. द फर्स्ट वन इज मेडिकल एंड सर्जिकल सेप्सिस. द सेकंड वन इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, आइसोलेशंस प्रिकॉशन. नेक्स्ट इज शार्प प्रिकॉशंस, हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड मटीरियल, एनवायरमेंटल कंट्रोल, स्टाफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन एंड evaluation. So we will discuss one by one. First one is medical and surgical asepsis. Asepsis is what? Asepsis means absence of disease producing microorganisms such as a bacteria, virus and other microorganisms that can cause disease. So healthcare professional use aseptic techniques to protect patient from infection. There are two types of asepsis. A first one is medical or clean asepsis, or surgical and or sterile techniques. ठीक है, there are two techniques, clean or sterile, or we can say medical or surgical techniques. Clear? So medical asepsis में क्या होता है आपका, सो स्टराइल टेक्निक्स एंड क्लीन टेक्निक्स आर टू क्लोजली रिलेटेड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस दैट बोथ एम टू कीप पीपल सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन. क्लियर, द एम ऑफ यूजिंग असेप्टिक टेक्निक इज टू एलिमिनेट द जर्म्स विच आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लीन टेक्निक्स फोकस ऑन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जनरल. क्लियर, सो मेडिकल असेप्सिस, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल असेप्सिस आर चेंजिंग क्लाइंट्स बेड लिनन डेली. हम हाउ वी कैन प्रिवेंट, हमें क्या करना है मेडिकल असेप्सिस में, हमें कौन सी टेक्निक यूज, एवरी डे वी हैव टू चेंज क्लाइंट्स बेड लिनन, डेली हैंड वॉशिंग, बैरियर टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है एंड रूटीन एनवायरमेंटल चेंजेस. ओके, एंड इन स्टराइल टेक्निक्स, these techniques can be practiced in the surgical incision or at the bedside procedures. Okay, so clear, medical and surgical, just I have already explained, hand washing, donning and removing sterile gloves, preparing a sterile field by opening a tray wrapped in a sterile drape, preparing a sterile field and performing a surgical hand scrub and donning a sterile gown and closed gloving. Okay, clear, medical and surgical asepsis. ठीक है, surgical asepsis में suppose जैसा क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, inserting IV cannula, urinary catheter, ठीक, और sterile dressing. उस time हमें क्या करनी है, surgical techniques use करनी है, sterile techniques use करनी है. Clear, now the second one is standard precautions. Standard precautions means, standard precautions are a set of infection control practices used to prevent transmission of disease that can be acquired by contact with the blood, body fluids, non-intact skin including rashes and mucous membrane. ठीक, क्लियर, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, हमारा एक सेट ऑफ इन्फेक्शन होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, जब विच आर द प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज. क्लियर, सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इंक्लूड आपका क्या क्या होता है, इसमें हैंड हाइजीन होता है, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक ग्लव्स, मास्क, आईवेयर, रेस्पिरेटरी हाइजीन,
शार्प सेफ्टी सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस फ्रॉम असेप्सिस टेक्निक फॉर पेरेंटरल मेडिकेशन स्टराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस क्लीन एंड डिसइनफेक्टेड एनवायरमेंटल सरफेस और वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, हैंड हाइजीन. यू ऑल नो हैंड हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अमंग द पेशेंट एंड डेंटल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. ओके, सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड थॉरली एड्रेस द इंडिकेशन एंड टेक्निक्स फॉर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस बिफोर परफॉर्मिंग रूटीन एंड ओरल सर्जिकल प्रोसीजर. वेन एवर वी डू एनी थिंग और वेन एवर वी डू एनी प्रोसीजर बिफोर और आफ्टर वी हैव टू डू हैंड वॉशिंग. ओके, योर हैंड्स कैन बी डेंजरस सो यू शुड वॉश देम विथ सोप एंड वाटर टू कीप बैक्टीरिया अवे. हैंड हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन टू रिड्यूस द क्रॉस ट्रांसमिशन ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. सो मस्ट बी बैक्टेरियोलॉजिकली इफेक्टिव होता है. वॉश हैंड्स बिफोर एनी प्रोसीजर इन विच ग्लव्स एंड फोर्सेप्स आर नेसेसरली आफ्टर कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट और वन कॉलोनाइज विद मल्टी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आफ्टर टचिंग इन्फेक्टिव मटीरियल्स एंड यूज सोप एंड वाटर. ठीक है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. फर्स्ट इज रब पाम टू हैंड, देन नेक्स्ट इज रब लेफ्ट पाम ओवर बैक ऑफ राइट हैंड, देन वाइस वर्सा, देन रब पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरफेस्ड एंड द रब बैक्स ऑफ फिंगर इन अपोजिंग पाम विद फिंगर्स इंटरलॉक एंड रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थम्स क्लोज इन राइट पाम देन वाई वर्सा. देन द सिक्स इज रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड विद क्लास फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इन पाम ऑफ राइट एंड वाइज वर्सा. दीज आर द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. सो वेन एवर बिफोर टचिंग अ पेशेंट यू शुड डू हैंड वॉशिंग बिफोर अ प्रोसीजर बिफोर अ प्रोसीजर after procedures or body fluid exposure risk after touching the patient and after touching a patient surrounding. आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है पेशेंट को टच करने से पहले भी, पेशेंट को टच करने के बाद भी. ठीक है, या कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है. नाउ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आपने सुना होगा PPE. आजकल जैसे हमारा कोरोना वायरस भी चल रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, PPE की शॉर्टेज है. ठीक है, तो PPE क्या होता है, द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रेफर्स टू वेयरेबल इक्विपमेंट दैट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट डायरेक्ट हेल्थ केयर पर्सनल फ्रॉम एक्सपोजर टू और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस एजेंट. ठीक है, जो किसके उसमें आते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते पेशेंट के डाल एक्सपोजर में आते, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, PPE होना चाहिए. PPE दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन एंड इफेक्टिवली कवर्स पर्सनल क्लोथिंग एंड स्किन लाइकली टू बी सॉइल्ड विथ ब्लड सलाइवा और अदर पोटेंशियली इन्फेक्शंस मटीरियल शुड बी अवेलेबल. क्लियर, PPE क्या होता है, आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या आते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैरियर प्रिकॉशन. डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं आपके, देन प्लास्टिक एप्रन और फेस मास्क, रेस्पिरेटर्स, सेफ्टी ग्लासेस एंड गॉगल्स, हेड प्रोटेक्शन, फूट प्रोटेक्शन एंड फ्लूइड रिपेलेंट गाउन्स. ओके, दीज आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. क्लियर, सीक्वेंस ऑफ वेयरिंग PPE, क्या सीक्वेंस क्या है आपका वेयरिंग PPE का. फर्स्ट आप क्या करोगे, गाउन पहनोगे, देन मास्क और रेस्पिरेटर, देन फेस शील्ड एंड देन ग्लव. दीज आर द स्टेप्स ऑफ वेयरिंग PPE. यू कैन सी इन डायग्राम फुल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. दिस वन इज हेयर कवर, देन आई वेयर गॉगल्स, मास्क, गाउन, एप्रन,
a shoe cover. Okay, so now the sequence for removing PPE. अभी तो हमने क्या पढ़ा था, sequence of wearing PPE. Now the sequence of remover PPE. First, सबसे पहले आपको क्या करना है, gloves remove करने हैं, then face shield or goggles, then gown and then mask or respirator. Clear? Okay. The next one is respiratory hygiene. रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको कैसे मेंटेन करनी है. ओके, रेस्पिरेटरी हाइजीन कफ एटिक्वेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर आर डिजाइन टू लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोजेन स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न रूट्स. आपको पता है कहाँ से होता है आपका, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न रूट से. ठीक है, एंड द स्ट्रेटजीज टारगेट प्रिमिलरी पेशेंट एंड इंडिविजुअल अकम्पनिंग पेशेंट टू द डेंटल सेटिंग who might have undiagnosed transmissible respiratory infection but also apply to anyone. Direct healthcare personnel with sign of illness including cough, congestion, runny nose or increased production of respiratory secretion. तो आप कैसे maintain करोगे respiratory hygiene? Cover nose, mouth with a tissue and when coughing, then use mask, use hand hygiene after having contact with respiratory secretion. Clear? So then next is sharp. जो आपके sharp, जैसे आपके needles हो गए, तो आपको क्या करना है, avoid recapping of needles. Means जो needle है एक बार use करने का तो उसको recap नहीं करना है. Avoid removing needles from syringe by hand or place use sharp in puncture resistance container. ओके, हमें क्या कर देना है, उसको पंचर रेजिस्टेंस कंटेनर में प्लेस कर देना है. देन एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट. आपको पता है जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, जब आप भी जैसे रहते हो, तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए. एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट फूड एंड वाटर कंटामिनेशन एंड एस्टेब्लिश अ रेगुलर शेड्यूल ऑफ हॉस्पिटल क्लीनिंग विद एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट्स इन फॉर एग्जाम्पल वार्ड, ऑपरेटिंग थिएटर्स एंड लॉन्ड्री. डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट सेफ्टी एंड नीडल एंड सिरिंज शुड बी इनसिनरेटेड एंड अदर इन्फेक्टेड वेस्ट कैन बी इनसिनरेटेड और ऑटोक्लेव्ड फॉर लैंडफिल डिस्पोजल. ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट देना है पेशेंट को, एंड जो भी आपका मेडिकल वेस्ट है उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है, नीडल एंड सिरिंज को भी इंसेट्रेट करना है. क्लियर? नाउ द आइसोलेशन प्रिकॉशंस. यू ऑल द नो द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन प्रिकॉशंस आर यूज टू हेल्प द स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. And these precautions protect patient, family, visitor and healthcare workers from the spread of germs. आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी क्या होता है, आइसोलेशन रूम होता है. इफ पेशेंट, अगर पेशेंट को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है या लाइक कोई स्प्रेडिंग डिजीज़ है, तो उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं पेशेंट को. क्यों करते हैं आइसोलेट, ताकि हम क्या कर सके, स्प्रेड को प्रिवेंट कर सके, इन्फेक्शन के स्प्रेडिंग को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसे कि आजकल आपके यहाँ पे भी हो रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको लॉकडाउन के लिए बोल रखा है. क्यों बोला है लॉकडाउन के लिए, एक तरह से हम खुद को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं. किस किस से, फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है इन्फेक्शन क्या ना हो, हमें स्प्रेड ना हो. इसलिए सबको बोल रहे हैं घर में रहो और सुरक्षित रहें, क्योंकि आपको पता है ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ये आपके पैंडेमिक डिजीज़ है. तो सेम हमें यहाँ पे भी करना है, क्या करना है, आइसोलेट करना है और आइसोलेशन प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं. क्लियर? देन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस. ओके, सो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर यूज इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. व्हेन यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अलोन डज नॉट फुली प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिशन. ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न.
एंड द टाइप यूज डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज. ओके, सो ये किस पे करता है, डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज. देन वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, ओके, फॉर एग्जाम्पल सार्स विच रिक्वायर्स एयरबॉर्न एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन एज वेल एज आई प्रोटेक्शन विद ऑल क्लाइंट कॉन्टैक्ट. क्लियर? सो इट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. देन हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड मटीरियल, ठीक है, आपको कैसे हैंडलिंग करनी है कंटामिनेटेड मटीरियल की, क्लीनिंग ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूड स्पिल्स, क्या करना है, वेयर ग्लव्स, वाइप अप द स्पिल विथ पेपर और टावल, अप्लाई डिसइनफेक्टेंट. एंड सेकेंड वन इज क्लीनिंग एंड डी कंटामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव बैरियर मस्ट बी वॉन, एंड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग लैब स्पेसिमेन मस्ट बी इन अ स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बैग्स विद बायो हजार्ड्स लेबल. क्लियर? एंड सॉइल्ड लिनन मस्ट बी हैंडल्ड विद बैरियर प्रिकॉशन सेंड टू लॉन्ड्री इन कोडेड बैग्स. जैसे कि क्या होता है, आपकी जो पेशेंट्स की लिनन्स होती है, कुछ क्या होती हैं, ब्लड स्टेन होता है, तो उन सबको उन्हें हम क्या करते हैं, अलग उसमें रखते हैं, अलग लॉन्ड्री बैग में, और जो क्लीन होती है उनको हम अलग लॉन्ड्री बैग में रखते हैं. सो जैसे यहाँ पे है कि सॉइल्ड लिनन मस्ट बी हैंडल्ड विद द बैरियर प्रिकॉशन सेंड टू लॉन्ड्री इन कोडेड बैग्स. कोडेड बैग्स में क्यों देने, ताकि उनको भी क्या पता चल के कि ये क्या है, सॉइल्ड लिनन है. एंड हैंडलिंग अ प्रोसेसिंग इन्फेक्शियस वेस्ट एंड मस्ट बी प्लेस्ड इन कलर कोडेड लीकेज प्रूफ बैग्स कलेक्टेड विद बैरियर प्रिकॉशंस. एंड कंटामिनेटेड वेस्ट इंसर्टेड और बेटर ऑटोक्लेव्ड प्रायर टू डिस्पोजल इन लैंड फिल. ओके, नाउ द एनवायरमेंट कंट्रोल, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज प्लान मस्ट मीट क्वालिटी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर. सो आपको क्या करना है, क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल एनवायरमेंट, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन शुड बी देयर, वाटर पाइप्स, एग्जामिनेशन, सो मैनी थिंग्स आर देयर. सो वी हैव टू मेंटेन एनवायरमेंटल एनवायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल. सो प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू वे वेस्ट एंड वी विल थ्रू द वेस्ट इन अकॉर्डिंग टू कलर कोड. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो येलो बीन्स, ब्लू बीन्स, रेड बीन्स, ठीक है, लेटर वी विल डिस्कस इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. सो प्रॉपर लिनन कलेक्शन एंड क्लीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? नाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है, इन्फेक्टेड पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन तभी करना है व्हेन इट इज नेसेसरी, व्हेन द पेशेंट ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी. अप्रोप्रिएट बैरियर्स हमें यूज़ करने, जैसे सपोज मास्क हो गया आपका, प्रीवियस ड्रेसिंग्स आर वॉन और यूज बाय द पेशेंट टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू अदर पेशेंट्स, पर्सनल एंड विजिटर, एंड टू रिड्यूस द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट. ओके, एंड सो पर्सनल इन द एरिया टू विच द पेशेंट इज टू टेकन आर नोटिफाइड ऑफ द इम्पेंडिंग अराइवल ऑफ द पेशेंट एंड ऑफ द प्रिकॉशंस टू बी यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स हमें क्या करना है, अगर पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमें प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है, एंड पेशेंट्स आर टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ वे बाई विच दे कैन असिस्ट इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ देयर इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द अदर्स. हमें पेशेंट्स को भी क्या करना है, टीच करना है. ओके, नाउ द सेकेंड इज ऑल इक्विपमेंट यूज फॉर पेशेंट ऑन आइसोलेशन इज टू बी क्लीन्ड विथ डिस इन्फेक्टेंट आफ्टर यूज, ठीक है, हमें जो भी पेशेंट आइसोलेशन में, उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज हुए हैं उसको हमें उसके बाद क्लीन और डिसइनफेक्टेड करना है. एंड दिस इंक्लूड आपका वो स्ट्रेचर्स भी हो सकते हैं, व्हील चेयर, एग्जामिन टेबल्स, ब्लड प्रेशर कफ्स एक्सेट्रा, ये सारी आपको क्या करनी है, डिसइनफेक्टेड. ओके, नाउ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ईच कैटेगरी ऑफ आइसोलेशन पेशेंट. तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ आइसोलेशन डिपेंड्स करता है पेशेंट, ट्रांसपोर्टर और पर्सनल परफॉर्मिंग टेस्ट.
तो प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय कॉन्टैक्ट पेशेंट के क्या करना है, अप्लाई फ्रेश ड्रेसिंग एंड कवर इन्फेक्टेड एरिया एडिक्वेटली, ओके, एंड ग्लव्स एंड जो आपका ट्रांसपोर्टर होगा उसको क्या करना है, ग्लव्स एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग एंड पर्सनल परफॉर्मिंग टेस्ट, ग्लव्स एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग। अगर टाइप ऑफ आइसोलेशन के साथ ड्रॉपलेट है, देन यू हैव पेशेंट्स हैव टू यूज सर्जिकल मास्क, और जो ट्रांसपोर्टर होगा उसको भी क्या करना है, सर्जिकल मास्क इफ द पेशेंट इज अनेबल टू वेयर वन, देन ओके। सो पर्सनल परफॉर्मर टेस्ट, सर्जिकल मास्क इफ द पेशेंट मस्ट रिमूव मास्क फॉर प्रोसीजर और इज अनेबल टू वेयर वन, ओके। इफ द आइसोलेशन इज एयरबॉर्न देन द सर्जिकल मास्क पेशेंट को पहनना, और ट्रांसपोर्टर को N95 मास्क इफ पेशेंट इज अनेबल टू वेयर सर्जिकल मास्क, एंड परफॉर्मर परफॉर्मिंग टेस्ट N95 मास्क इफ द पेशेंट मस्ट रिमूव मास्क फॉर प्रोसीजर और इज अनेबल टू वेयर वन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में पेशेंट को कुछ नहीं पहनना है, देन ट्रांसपोर्टर नन, एंड पर्सनल परफॉर्मर टेस्ट गाउन्स एंड ग्लव्स इफ द टेस्ट इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड साइट्स, आई कवरिंग इफ द स्प्लैशिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर लाइकली टू अकर। सो दीज आर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइसोलेशन पेशेंट, ओके। नाउ द स्टाफ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, हमें जो स्टाफ का उसको अभी क्या करना है, प्रमोट करना है और उसको हेल्प एजुकेशन, जैसे सपोज CNA होती है आपकी, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन वर्कशॉप्स होती हैं। सो एम्प्लॉय हेल्थ हिस्ट्री मस्ट बी रिव्यूड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन टू बी कंसिडर, ओके। तो उसकी मीन्स जो आपका एम्प्लॉय होगा उसकी हेल्थ हिस्ट्री भी आपको क्या करनी है, रिव्यू करनी है। इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन टू बी कंसिडर, रिलीज फ्रॉम वर्क इफ सिक, इफ द स्टाफ इज सिक देन रिलीज फ्रॉम वर्क, क्यों, ताकि वो क्या ना कर सके, दूसरे पेशेंट को भी क्या ना सके इन्फेक्शन, और अदर मेम्बर्स को भी ट्रांसमिट ना कर सके इन्फेक्शन। सो कंटिन्यूस एजुकेशन टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस बेटर परफॉर्मेंस ऑफ न्यू टेक्निक्स, ओके। हमें क्या देनी है, कंटिन्यू एजुकेशन देनी है, एंड फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस गाइडलाइंस ऑन द एवरी पेशेंट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट बॉडी फ्लूड्स फ्रॉम एनी पेशेंट कैन बी इन्फेक्शियस। हमें जो आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की गाइडलाइंस है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। देन इवेल्यूएशन, मेजर सक्सेस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स एंड कंपेयर पेशेंट रिस्पॉन्स टू एक्चुअल आउटकम। आपको पता होगा ना लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।